आज पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इस बिल्डिंग दे विच एक इतिहासक मौका आया कि साढ़े पूरे पंजाब दे विचों पंजाब हैडमास्टर चंगे चंगे स्कूलों के हैडमास्टर IIM अहमदाबाद उत्थे जा रहे हैं ट्रेनिंग वास्ते। तो अज ही साढ़े 72 प्रिंसीपल सिंगापुर तो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। सो साडा ये जो सिलसिला है ये निरंतर इस तरह जारी रहेगा क्योंकि जो कोच अच्छे होंगे तो खिलाड़ी अच्छे बनते हैं। सो असी कोचिज नू ट्रेनिंग दवाई है, असी उन्होंने गॉडफादर, असी उन्होंने टीचर, असी उन्होंने जिहड़े पढ़ाने वाले ने जिहड़े उन्होंने उन्होंने अपडेट करिए अगे अपने कुलीग न अपने बच्चों स्टूडेंट्स को अपडेट कर दुनिया के हाण का बनवा। सो मैं सारे हेडमास्टर बधाई देना, खुद एक टीचर का बेटा बल्कि अज तो एक हेडमिस्ट्रेस है वो मैं मिले तो उस स्कूल की हैड ने वो जिहड़े स्कूल दे मेरे डैडी हैडमास्टर होंदे सी शहीद गुरविंदर सिंह सरकारी स्कूल है तोलावाल। गुरविंदर दी जिहड़ी शहीदी है वो जो चाइना दे नाल वार हुई सी उस वेले हुई सी, उस वेले नाम रखी गए शहीदां दे नाम। सो दो दिन पहला असी 12,710 जिहड़े वख वख कैटेगरियां दे विच टीचर पढ़ाउंदे सी, पता नहीं किवें कैटेगरी बनाईयां सी उन्होंने, ते असी उन्हां दे नाम दे अगों अहुदे दे अगों कच्चा लफ़ज़ हटाया और बहुत सारियां इमोशनल वीडियो मेरे कोल भी आ रही ने, ज़्यादातर जिहड़े अथरू ने खुशी दे ने कोई बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़नी पई, धरने हड़ताल टैंकियां खंबे नहर धुंदा धुप्पा पता नहीं की चल रहा। सो वो भी साढ़े परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो हेडमास्टर साहब जिन्हें भी सी वो भी यही कह रहे थे कि असी सिख उतों आके असी होर भी दुगड़े तिगड़े हौसले नाल बच्चों को पढ़ावे। एजुकेशन वास्ते मैं फिर कहना, मैं अक्सर कहना कि सिक्ख्या वास्ते बजट की कोई कमी नहीं होगी, साढ़े बच्चों में इस तरह की सिक्ख्या मिले पूरी दुनिया जिते जा तो इस गल से माण महसूस कर असं पंजाब के पढ़े हुए हैं, असं पंजाब की यूनिवर्सिटिया के पढ़े हुए हैं, असं पंजाब के कॉलेजों के पढ़े हुए हैं, असं पंजाब के एमिनेंस स्कूलों के पढ़े हुए हैं। सो यह माण महसूस कराने लिए ठीक है पिछलियां सरकारों ने जो करता मैं उस नहीं जाऊँगा, पर साडा काम है हम फ्यूचर वास्ते साड़िया टीम तैयार करनी है, बैच स्टैप तैयार करनी। सो इस करके मैं अज फिर एजुकेशन के एक प्रोग्राम च आया। सब तो वह खुश मैं लगता है पत्रकार होना चाहिए है। इन्ना कंटेंट पहला थानू कदे नहीं मिले, मुख्यमंत्री 6-6 महीनों बाद कि मिलता होता है, किसी को कह कह के तुम कह रहे मुख्यमंत्री कहना की चाहता है वो भी सूत्रों मुताबक दसना पैंता सी। हुण मैं हर दूजे दिन हर रोज कल सलाम जाऊँगा शहीद आजम श्री ऊधम सिंह होर की कल परसी उत्थे भी मीडिया होगा मैं मिलूंगा, मैं कल्ले कल्ले मीडिया नूं मिलता, मैं कोई नहीं देखता कि माइक बड़ा है या माइक छोटा है, माइक ते जिहड़ा ब्रांड लगे मैं नहीं देखता। हो सकता है किसी बिना ब्रांड वाले माइक वाले कोले कोई बहुत वधिया सवाल होवे जिहड़ा मैं बाद विच कहां कि हाँ ये लागू हो सकता है। सो तुसीं बिल्कुल फिक्र ना करे करो, जिन्ने जदों तक तुहाडे सवाल नहीं मुकदे मैं थोकदा नहीं जी। है जी जी होणगे जी, मैं कल भी परसों भी कहा थोड़ा सबर रखना पऊगा जी, बड़िया अड़चर ने जी कानूनी अड़चर ने। मैं कोई 600 मुलाजम अज एक साइन नाल पक्के कर सकता होवां मैं वो साइन करन नूं बिल्कुल टाइम नहीं लाऊंगा, पर मैनू
कानूनी रास्ता क्लीयर करना पेगा पहला उन्होंने। सो मैं उन्होंने कहना थोड़ा जहा पेशेंस रखो, किसी दे भी अहदे चाहे वह टीचर ने चाहे वह किसी होर महकमे च ने, मैं कच्चा लफज जोड़ा है वो हटाना चाहूँ। जो असी ट्रिपल तनखाह करती पेड छुट्टियां करती हर साल 5% का इंक्रीमेंट देता बदूगा पत्ता मैटरनिटी लीव है 58 साल तक कोई नौकरी तो हटा नहीं सकता गरंटी है और पक्के दे की सीमेंट लगे होंगे जी। सो उन्होंने तो कहना ही होंगे कुछ ना कुछ कही जाओ कोई होर नहीं बिल्कुल होगा जी। हाँ साड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है, कल कैबिनेट च आई है, कल कैबिनेट आई है, कैबिनेट स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है वो सारे स्कूलों से लागू हो। शायद तुहाडे चो किसी नूं याद होवे पीटी मास्टर सीटी मारदा सवेरे तो सारे इकट्ठे हो जाते सी, उत्थे पीटी हुंदी सी ठीक है ना। सो मैनूं याद आउगा सो पीटी टीचर ही खत्म करके रखते, पोस्ट ही खत्म करती, डीपीआई की पोस्ट खत्म करके रखती, खेतीबाड़ी टीचर की पो खेतीबाड़ी का भी पीट लगता हुंदा सी नौवां पीट। 2000 पीटीए टीचर भर्ती कर हुण करांगे असीं, पीटीए टीचर भर्ती करांगे, असीं योगा टीचर भर्ती करांगे, डीपीआई भर्ती करांगे। जो सवेरे सवेरे आने साल पहला थोड़ा जा योगा या पीटी हो जाए सारा दिन फ्रैश लगता बच्चा। सो स्पोर्ट्स के जिन्हें भी साढ़े असी ये भी सोचे फर्ज कर लो असी करता नौ जी 50 लाख रुपया देवे जी गोल्ड मैडल वाले को जो कॉमनवैल्थ चो गोल्ड लिया, इन्ना कह के साड़ी जिम्मेवारी खत्म नहीं। असी उल्टा सोचे असी क्या पहले ही दो 10 लाख उन्होंने ताकि कॉमनवैल्थ वास्ते तैयारी करने वे को बूट भी होते को सिंथेटिक ट्रैक भी होॉपर खुराक भी हो डाइट भी हो फिर जित के लियागा। अदरवाइज जिन्हें जित के आते हैं वो आप जित के आते हैं आद्या असं कह दें 50 लाख फोटो खिचाने बारे नो पहले ही तैयार करो उन्होंने कि आ लो पैसे पहला गोल्ड जितो सिल्वर जितो चलो वो तो अगर कंपीटिशन डिपेंड करना है। सो स्पोर्ट्स लिए पॉलिसी प्रॉपर है, ईवी इलैक्ट्रॉनिक वहीकलों लिए इलैक्ट्रिक वहीकलों लिए पॉलिसी तैयार है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, एजुकेशन की पॉलिसी तहत काम हो ही जाता है, खेतीबाड़ी की पॉलिसी आ गई। सो साढ़े वालों पॉलिसी मेकिंग कोई डिले नहीं, असी फिर कहने कि रंगला पंजाब बनाने लिए किसी एक वर्ग को नहीं सारे वर्गों को ही जोड़ा है सैल्फ डिपेंड करना पेगा तो उपर लग जा। अगले हफ्ते सवाल खत्म हो स्पेशल गुरद्वारियां दा ऑर्डर दिता गया क्योंकि हुण तक मेरे सारे डीसी मेरे सारे एडीसी मेरे सारे अफसर पंजाब दे ओ लोकां दी सहायता करन दे विच मशरूफ सी, उत्थे बिजी सी, कि पानी आ गया कि आपां नूं पैकेट पहुँचाने पै रहे ने कितों कढ़ने पै रहे बंदे तो हुण ओह अफसर जिहड़े ने दफ्तर जाके उन्हूं कहता 15 अगस्त तो पहला पहला स्पैशल गुरद्वारी। दो किस्म दी गुरद्वारियां होंदियां ने, एक गुरद्वारी उन्हूं फसलां दी कहिंदे कल्ली स्पैशल गुरद्वारी दे विच बकरी भी मरी है उहदा भी असीं पैसे देवांगे। बरनाले जिले च मुर्गी खाने रुड़ के विच ही पैसे देवांगे जी। मझां दा नुकसान होया, मझां वाले बाड़े दा नुकसान होया, कच्चे घर ढहे ने, फसलों का नुकसान होया, ईवन दिहाड़ियों का भी कल कैबिनेट दे विच असीं कीता, दिहाड़ियां भी देवांगे। जे किसी नूं मैं 5 किले नरमा मारिया गया जां 5 किले झोना मारिया गया तो मैं उन्हां नूं दे रहा पैसे तो फिर वह झोना लाउण वेले जां झोना जदों वढ़ना सी उदों जिन्हां दी दिहाड़ी जिन्होंने दिहाड़ी करके कबीलदारी चलाउणी सी उन्हां नूं भी तो विच ही लैणा चाहिए, 10% उन्हां दा भी पैसा असीं रखदे। मान साहब मुख्तार अंसारी के मामले में
इन्वेस्टिगेशन हुई है पीआईबी टीम के लेकर, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें रिपोर्ट किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखिंदर सिंह का नाम पे एफआईआर होनी चाहिए, उसमें एफआईआर हुई नहीं है। कोई गल नहीं, हो जाऊगी, हो जाऊगी, वेट कर लो थोड़ा, जिहड़ियां हजे तक होईयां ने पहले उन्हां दी रिपोर्ट दे दो सारी, सारिया का होगा साहब जी। मैं कही जाना कि साहब सारे का होगा, जिन्हें भी एक रुपया भी खजाने दे विचो, पंजाब दे खजाने चो अपने निजी मुफादा लई जां अपने मित्रां लई अपने दोस्तां लई जां अपने चमचियां लई वरत्या, पंजाब दे लोकां दी मेहनत दी कमाई, खून पसीने दी कमाई, हरेक दा हिसाब होगा। किसी ते अज हो जू, किसी ते कल हो जू, पर होगा जरूर जी इस मामले च। कोई मान साहब, पाकिस्तान दे डिफेंस मिनिस्टर दा बयान आया सी कि ड्रोन दे नाल असीं मसला उहदे ड्रग्स भेज रहे हां, ओनली होम मिनिस्टर नु लेटर। देखो मेरी इस मामले च हुंदी रहिंदी आ गल, बहुत सारे ड्रोन इदां दे ने जिहड़े इत्थों ही जांदे आ, इधरों जांदे उधरों आ जांदे आ, पर के तां फिर इधरले ड्रोनां दी घट-घट डिसीजन तां होनी चाहीदी है ना। सो मेरे वल्लों, मेरी सरकार वल्लों होम मिनिस्टर लिखा गया कि वहीकलां वांगू, मोटरसाइकिलों वागू, कारा वागू ड्रोन की भी रजिस्ट्रेशन शुरू करो, क्योंकि अच्कल ड्रोन हर जगह पर वरत्या जाता जी, ईवन पत्रकार भी ड्रोन वरतन लग गए हूँ, तो रैली की कवरेज करने वास्ते ब्याहां ड्रोन वरत्या जाता है, कबड्डी टूरनामेंट ड्रोन वरत्या जाता है, क्रिकेट के मैचों ड्रोन वरत्या जाता है। तो फिर ड्रोन घट्टो घट रजिस्टर्ड तो हो गया कितों का, तो फिर पता तो लगे ना वो मालिक कौन है। ये हो गया ना कि अपने ही ड्रोन पाकिस्तान जाता है, सानू दो तीन इस तरह घटनावां मिली कि अपने ही ड्रोन गया उधरों आ गया, तो आप चलो ठीक है पुलिस ने फट लिया, बीएसएफ ने फट लिया, पर गया तो इधरले पास पता ही लग रहा कि वो, तो जे कि रजिस्ट्रेशन होंगी तो पता लग जाता कि किदा सी। सो ये जरूरी है, बॉर्डर स्टेट है, असी कोई भी ढिल इस तरह की नहीं वरतेंगे इस मामले च कि कोई किसी को असी अलाउ कर दिए कि तू कोई जा राजनीतिक पद्धर से, मैं कोई कह कि मैं नहीं कहना उन्होंने, जब असी मिलकर चल रहे हैं बीएसएफ ने मिलकर चल रहे हैं, और पंजाब नशा मुक्त भी बना, भ्रिष्टाचार मुक्त भी बना, और पंजाब असी किताबा प्रमोट करनिया ने, असी लाइब्रेरिया प्रमोट करनिया ने, असी पंजाब दे विच जिहड़ा वो नौजवान जिहड़े ने मुंडे कुड़ियां उन्हां नूं असी उन्हां दे हत्थां च नियुक्ति पत्र, उन्हां दे हत्थां च वड्डे वड्डे ऑफिसां दीआं चाबियां, वड्डी वड्डी गड्डियां दीआं चाबियां होण, उह दफ्तर जाण, कम करन, पूरी दुनिया जाण, जिथे मर्जी जाण, पर घट्टो घट पंजाब दा नाम इस तरीके ना रोशन करन के सानू प्राउड होवे। मान साहब, चारे बिल ऑपोजिशन पार्टीज ने ड्रामा करना पेशा हो गया, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੀਪੀਪੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਣ ਜੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਡਰਾਮੇ, 64,000 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰੇ ਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੋ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਬਣੂਗਾ।